हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 28 मई 2019 है, तो देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स, जिसमें से पहला सवाल है, चीन ने हाल ही में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। पहला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर 400 किलोमीटर प्रति घंटे, या फिर 600 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 600 किलोमीटर प्रति घंटे। ये जो ट्रेन होगी आप देख सकते हैं, लोकोमोटिव कंपनी सीआरसी सिफंग कॉर्प ने इसे डिजाइन किया है इस ट्रेन को, और कंपनी का दावा है कि यह देश की सबसे तेज मैगलेव ट्रेन होगी। ठीक है, बीजिंग जो कि चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ने वाली मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन का प्रोटोटाइप बना लिया है। लोकोमोटिव कंपनी सीआरसीसी सिफंग कॉर्प ने इसे डिजाइन किया है। कंपनी का दावा है कि यह देश की सबसे तेज मैगलेव ट्रेन होगी। चीफ इंजीनियर डिंग सेशन के मुताबिक इसमें 3 साल लगे लोग इसे सफ़र करने के लिए एयर ट्रेवल का विकल्प छोड़ सकते हैं, यानी कि इस ट्रेन को सफ़र करने के लिए इस ट्रेन से लोग एयर का भी विकल्प छोड़ सकते हैं। फिलहाल कमर्शियल प्लेन की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिंग ने कहा है कि 2021 में इस नई मैगलेव ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से किसने पतंजलि के प्रबंध निषेधक आचार्य बालकृष्ण को विश्व के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? पहला है वर्ल्ड बैंक, या दूसरा है केंद्र सरकार, या तीसरा है मूडीज, या चौथा है यूएनएसडीजी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूएनएसडीजी। पतंजलि ट्रस्ट के चेयरमैन और योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूएनएसडीजी की तरफ से जिनेवा में सम्मानित किया गया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि हमें गर्व है पतंजलि ने वैश्विक स्वास्थ्य के संदर्भ में योग, आयुर्वेदिक और पारंपरिक भारतीय तरीके से बीमारियों का इलाज करने के लिए योगदान दिया है, जिसके लिए आचार्य बालकृष्ण को यूएनएसडीजी ने सम्मानित किया। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, किर्गिस्तान के किस शहर में दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मॉस मीडिया फोरम का आयोजन किया गया है? पहला है बिश्केक, या दूसरा है ओसा, या तीसरा है जलाल अबद, या चौथा है बातकें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिश्केक। किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मॉस मीडिया फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका उद्घाटन किर्गिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति एस जिनबेको ने किया। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल साइलेस तिनेकर को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया है? पहला है इजराइल, या दूसरा है इराक, या तीसरा है जापान, या चौथा है दक्षिण सूडान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दक्षिण सूडान। भारतीय सेना के इन्फेंट्री स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सैलेस तिनेकर को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कमांडर नियुक्त किया गया है। यह दूसरा सबसे बड़ा शांति अभियान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा है कि तिनेकर रवांडा के लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक कामाजी के कार्यकाल को आगे बढ़ाएंगे। कामाजी का कार्यकाल रविवार को पूरा हो रहा है। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अल्मीटा थूले पर पानी की मौजूदगी के सबूत की खोज की है? पहला है ईसा, या दूसरा है इसरो, या तीसरा है डीआरडीओ, या चौथा है नासा।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऑलमीटा थूले पर पानी की मौजूदगी के सबूत की खोज की है। यह मानव जाति द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे दूर की दुनिया है। उसके बाद अगला सवाल देख सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी को किस राज्य में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है? पहला है केरल, या दूसरा है गुजरात, या तीसरा है आंध्र प्रदेश, या चौथा है कोलकाता? इसमें से जो आप सही आंसर देख सकते हैं वो होगा आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी को हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। उसके बाद सातवां नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए की बैठक में भाग लेने के बाद किसने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त करने के साथ सरकार बनाने का न्योता दिया है? पहला है रामनाथ कोविंद, या दूसरा है श्री वेंकैया नायडू, या तीसरा है प्रणब मुखर्जी, या चौथा है गंगना राजोई? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए की बैठक में भाग लेने के बाद राष्ट्रीय रामनाथ ने प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त करने के साथ सरकार बनाने का न्योता दिया है। साथ ही नरेंद्र मोदी से कहा है कि वे केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की घोषणा करें। उसके बाद आठवां नंबर सवाल है, कोपा डेल रे के फाइनल में वेलेंसिया ने बार्सिलोना को हराकर कितने साल बाद टूर्नामेंट में खिताब जीता है? पहला है 5 साल, या फिर 7 साल, या फिर 11 साल, या फिर 15 साल? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 साल। कोपा डेल रे के फाइनल में वेलेंसिया ने बार्सिलोना को 2-1 से हराकर वेलेंसिया ने 11 साल बाद टूर्नामेंट में खिताब जीता है। वेलेंसिया ने पिछली बार खिताब वर्ष 2008 में जीता था। उसके बाद नवा नंबर सवाल है, जर्मन कप का खिताब जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिक ने हाल ही में कितनी बार जीता है? पहला है 7वीं बार, या दूसरा है 11वीं बार, या तीसरा है 12वीं बार, या चौथा है 19वीं बार? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 19वीं बार। आप देख सकते हैं जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिक ने जर्मन कप के फाइनल में बर्लिन ओलंपिया स्टेडियम पर लिप्जिंग को 3-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही टीम ने 19वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। बायर्न इससे पहले बुंदेसलीगा टाइटल भी जीत चुका है। इस तरह यह उसका 12वां डोमेस्टिक डबल रहा, यानी बायर्न 12वीं बार एक ही सीजन में जर्मन कप और बुंदेसलीगा जीतने में सफल रहा। बायर्न के लिए इस मुकाबले में अनुभवी स्ट्राइकर रोबर्ट ने 2 और किंग्सले कोवन ने 1 गोल किया। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है, अमेरिका ने किस देश के साथ हाल ही में निष्पक्ष कारोबार करने का वादा किया है? पहला है रूस, या दूसरा है इराक, या तीसरा है चीन, या चौथा है जापान? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जापान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान जापान के साथ निष्पक्ष कारोबार करने का वादा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब इस एशियाई देश के साथ कारोबार को थोड़े और वजीब स्तर पर ले जाना चाहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज और जॉब न्यूज के लिए हमारे ज्ञान4u को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।